से डीएमएसपी की शांति व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक टांडा में आयोजित की गई। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी होलिका दहन, होलिकोत्सव, ईद उल फितर, रमजान आदि मुख्य पर्व त्योहार एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना टांडा परिसर में क्षेत्र के धर्मगुरुओं, संभ्रांत गणमान्य व्यक्तियों एवं पीस कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग का आयोजन कर आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। राजेश द्विवेदी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ट्रेन की पटरियां जिन पर ट्रेन चलती है उस ट्रेन में बैठा चालक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता है और यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाता है। लोकसभा चुनाव और होली का पर्व, रमजान का महीना, यह सभी पर्व शांतिपूर्वक मनाना है। आज टांडा तहसील में सभी धार्मिक गुरुओं की बैठक का सबब लोगों को एक सामान्य तौर पर जागरूक करना है। रमजान भी चल रहा है, होली आने वाली है और साथ ही साथ इलेक्शन खासतौर से रामपुर में अति शीघ्र होने वाले हैं। ये जो दोनों हमारे पर्व हैं आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसे बनाए, कोई न कोई इनका साइंटिफिक अर्थ रहता है। अंदर की सफाई, बाहर की सफाई, एक बेटर ह्यूमन बीइंग के रूप में हम इन पर्वों के बाद निकल के आए, इसीलिए मनाया जाता है। और जो हमारी तहजीब है, चलन है हमारे देश का, ये सभी पर्व मिलजुल करके जिसको कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब से मिलते ही मनाते हैं। मैं जब आया था मौलाना जो बात कर रहे थे ट्रेन वाली, बहुत अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने कि इन्हें किसी को कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए ही बनी है और जो पटरियां हैं वो भी इसी तरह से बनाई गई है कि वो अच्छे ढंग से पहुँचा दें। जो ट्रेन चला रहा है, जो ट्रेन में बैठा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे कहीं किसी से टकराना है। गलती कहाँ होती है, कोई असामाजिक तत्व कोई योजना बनाते हैं, सोचते हैं कि ये जो अमन चैन का माहौल चल रहा है इसको कैसे बिगाड़ा जाए। आप निश्चिंत रहें, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन हमको आप स्टेशन मास्टर मानिए चाहे रेल मिनिस्टर मानिए, हमारी ट्रेनें सब अच्छे से चलेंगी, पटरियाँ दुरुस्त रहेंगी और कहीं कोई टकराव करेगा नहीं। देखिए, ये तहसील टाणा के कोतवाली परिसर में आज पीस कमेटी की बैठक थी, मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था और समस्त जितने भी क्या कहते सम्मानित व्यक्ति हैं उनके द्वारा यहाँ सहभागिता की गई थी। आप लोगों को विदित है कि जैसे हमारा जो लोकसभा का चुनाव है उसकी भी तैयारियां हम लोग जारी रखे हुए हैं और जो आगामी जो त्यौहार हैं उनकी भी व्यवस्थाओं का हम लोगों ने जायजा लिया है। देखिए, त्योहार को लेकर और चुनाव को लेकर हमारी ड्यूटी लग चुकी है मजिस्ट्रेट की, सेक्टर मजिस्ट्रेट की, हमारे जो बूथ लेवल की प्रिपरेशन है वो सारी हो चुकी है और हमारा जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी जिले में प्रारंभ हो चुकी है और 19 तारीख को हमारा 19 अप्रैल जो है उसको वोटिंग डे है और मैं सभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं रामपुर जनपद के उनको अपील करूंगा कि मैक्सिमम नंबर में क्या कहते हैं वोट करें। खबर भारत वर्ष के लिए रामपुर यूपी से आसिम अजीज की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।